इंडिया खेलेगा भी और जीतेगा भी. साइन अप नाउ ऑन parimatch.com टू गेट फ्री बोनस एंड विन ह्यूज कैश प्राइजेस. पैरीमैच, डेयर टू बी डिफरेंट. साफ अली तू तो गया. Benjamin Furlock, Ghost of Dagger. हाय जनी, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी. तुम कब तक आओगे? पता है क्या, मैं नहीं आ सकता हूँ मिलने. नहीं आ सकते? पर हम आज मिलने वाले थे ना. मुझे पता है, माफ कर दो. बहुत कुछ जरूरी काम करना था इसलिए नहीं आ सकता था. लेकिन हम फिर कभी मिलेंगे. बेंजामिन, तुमने मुझसे वादा किया था मिलने का और अब ये कर रहे हो. माफ करना जनी. माफ करना जेनी तो मेरा नया नाम पड़ गया है. आई एम सॉरी जेनी, आई एम सॉरी. मैं पक्का वादा करता हूँ अगली बार जब मिलेंगे. जल्दी आओ. हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ.
मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जोनस, एडम, क्या हाल है? हम तो बस जंगल में घूमने आए थे, मौसम का मजा लेने आए थे। हाँ, और तुम भी बस जंगल में आए? और हाँ, मैं भी यहाँ घूमने ही आया था, बस जंगल में। हम कॉफी शॉप जाने वाले थे और वहाँ बैठने वाले थे। तुमने ऐसा ही कुछ कहा था ना? तुमने ऐसा नहीं किया था। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम क्यों बोल रहे हो? आराम से, मुझे कुछ मत बोलो, बस इसे मैं खुद समझ लूंगा। खैर, क्या ये आज था? अरे यार, माफ करना, मुझे लगा था कि ये कल था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था तारीख से। तुम वहाँ क्या छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? असल में वह मानो या ना मानो, एक पुराना लंच बॉक्स है। अरे, आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? मुझे लगा कि हम साथ काम कर रहे हैं। हम मूर्ख हैं क्या? बॉक्स दिखा। ये लंच के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक बॉक्स है। बॉक्स ना? खैर हाँ, उसके पास है। बेंजामिन, वी हमने यही तय किया था, हमें ये बॉक्स दे दो। आप यहाँ लंच बॉक्स के साथ कैसे पहुँचे? अगर मेरी किताब नहीं होती ना, तो तुम इसे कभी नहीं ढूंढ पाते, समझे? हाँ, हमें किताब दे दो तुम। हाँ, किताब नहीं, लानत है, लेकिन एक बॉक्स। चलो दोस्तों, एक ब्रेक ले लो, है ना? हाँ हाँ, एक ब्रेक ले लो। आपको क्या लगता है ये क्या है? मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आप हम में से चैट कर रहे हैं। आप हमारी किताब ले सकते हैं, खजाना पा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हम पढ़ नहीं सकते क्या? बहुत तेज हो बेंजामिन, तुम तो हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो। हाँ, बेवकूफ बनाना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये लो आपके लिए बॉक्स। हाँ, सब कुछ समझा दूंगा, एक सेकंड दो। हे बेंजामिन, रुको। अरे बेंजामिन, नहीं 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 एडम, हमें एक और रास्ता मिल जाएगा। क्या तुम पागल हो? हाय, क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगी? हाँ, बेंजामिन वापिस आ जाओ, रुको। बेंजामिन रुको, जोनस पकड़ लिया, जोनस, एडम, जोनस, जोनस, मुझे क्या करना चाहिए? एडम, तुम क्या कर रहे हो? चूतिए, वो भाग रहा है, भाग। क्या मजाक कर रहे हैं? वादा करता हूँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बाप रे, चुप रहो। जैनी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख हूँ, मुझे पता है मैं मूर्ख हूँ। क्या तुम बैठोगे? ठीक है जैनी, इस बार मैं वास्तव में भाग्यशाली रहा। माफ करना, अब मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है जिसका कोई परिणाम ना होने वाला हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दिन मिलना था। हाँ, लेकिन तुमने मुझे एक डेट का वादा किया था और अब तुम एक घंटा लेट आए हो। अपने आप को देखो, कितने गंदे लग रहे हो। हाँ,
और मुझे लगा तूने नोटिस नहीं किया। आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे आप, क्या किया है तुमने? क्या तुम्हें पता है इस खजाने की कीमत बहुत अधिक है? खजाना कहीं भी नहीं है बेंजामिन, आपको कुछ भी नहीं मिला है, कुछ कीमती नहीं है। हाँ मैं बदकिस्मत था, और हाँ आपको गुस्सा होने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस बार यह अलग है। जरा जरा आराम से बताओ। हाँ ठीक है, मैंने सच में इसमें ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? ये ढूंढा है मैंने। बेंजामिन क्या आप इसे हटा सकते हैं? नहीं, मुझे पहले से ही शर्म आ रही है, प्लीज इस चीज को हटा दें यहाँ से। नहीं मैं नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, आपको मुझसे पूछना होगा कि यह क्या है। ये क्या है? अच्छा तुमने पूछा, ये बुक्स 1912 का है। और नई इशू टू, इसके बारे में और बताता हूँ। अच्छा हाँ मैं समझ गई, क्या ये सच में कीमती है? हाँ। खैर मैं अपने बारे में नहीं कह सकता कि कास्केट शायद यह सस्ता है। नहीं बात यह है कि इसमें क्या है, और मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी प्यारी जैनी इस बॉक्स को अपने सुंदर हाथों से खोलें। क्या आप वाकई ये चाहते हैं? हाँ माफ करना, बहुत पुराना है। क्या इसे पिकासो ने खुद बनाया है? क्या तुम लेट हो? बहुत बढ़िया इंडियाना, धन्यवाद। कुछ मिला? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं मुझे एक बॉक्स मिला जिसमें गहनों की वाइकिंग होनी चाहिए थी। हाँ लेकिन उसमें लुंड की फोटो बनी थी। फेमस लुंड? हाँ विवेक युग का, अभी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वो पिंक स्टिकर पर बना हुआ था। ठीक है, अगर एक स्टिकर पर था तो फिर ये कचड़ा है, तब ये होते नहीं थे। हाँ, हाँ फिर बकवास, साले कमीने कहेंगे। मुझे समझ नहीं आता ओलाव के अर्थ में मैं हर बार इतना पास होता हूँ, इतने करीब सोमर में, और फिर पैनकेक। जेनी पहले ही इस बात से थक चुकी है, लेकिन महिलाओं को ये समझ नहीं आता है, उनके पास हमारे जैसा जुनून नहीं होता है। हम में ये जुनून बचपन से होता है, भगवान ने दिया होता है हमें, और ये जुनून है। उदाहरण के लिए एक कुत्ता है, और कुत्ते को टहलाने के लिए भा ले जाना चाहिए जब तक वो जिंदा है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। कभी कभी उन्हें ये कहने की आवश्यकता होती है, मैं डायपर नहीं खरीद सकता, मैं लड़कों के साथ टहलने जाऊंगा। तो यहाँ एक कुत्ते की तरह चलना है। सीरियसली? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। खैर मुझे नहीं पता, जब हम सैन जोड़ में रहते थे तब सब कुछ बढ़िया था। मैं कभी भी एडवेंचर पर जा सकता था और कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाँ लेकिन जब से जैनी को ओस्लो में नौकरी मिली है। कुत्ते को टहलाने नहीं ले जा सकते? नहीं, वह उसे पिंजरे में रखना चाहती है। क्या आप जानते हैं, और यह कितना गलत है, आपको इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि कुत्ते को टहलाना जरूरी है, जिससे कि वो घर पर भागे ना, नहीं तो घर बुरी तरह बदबू मारेगा। कहना चाहिए अरे मैं कुत्ते को टहलाने ले जाऊंगा, अब रोना बंद करो यार तुम। हाँ लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जेनी सही है, मुझे कुछ नहीं मिला। खैर हाँ यह सब भेजना शायद बेहतर होगा। लेकिन आप खुद को खाली हाथ नहीं छोड़ सकते। हाँ मार्टिन लूथर किंग बिल्कुल सही बोले थे, यदि आप पूरी तरह से नहीं जीते हैं तो आप जीवित नहीं रहेंगे। उसने कहा अच्छा हाँ बीवी का फोन। हाँ हे
क्या कर रहे हो? नहीं, मैं 5 बजे घर आऊँगा। खैर, मैं एक दोस्त से मिला और उसने आज मुझे साथ में बियर पीने का सुझाव दिया और मैंने सोचा और आखिरकार जवाब दिया हाँ। नो। ऐसा सोचा तुमने? हाँ, तुम तय करोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं अभी तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास कोई और काम नहीं है। इसके बारे में बात की ओलाव? हाँ। और आप क्या है? ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन भले ही ऐसा लगे कि मैं गंभीर नहीं था, मैं गंभीर हूँ। जेनी, चलो ठीक है, एशियन वाइकिंग ज्वेल्स, स्टेटस नॉट फाउंड, कॉस्ट 10,000 यूरो। स्टेटस फाउंड, फाउंड, फाउंड। मेरे पास एक समुद्री डाकू के नक्शे का आखिरी हिस्सा है। यदि आप रुचि रखते हैं तो मुझसे पाल्मा मालोराका में मिलो। सब लोग मूवी देखते हैं पर कुछ लोग मूवी बनाते हैं। मेरी मान पैरीमैच.com पर जा और 2 मिलियन प्लेयर्स के साथ ऑनलाइन कैसीनो में पैसे कमा। क्रिकेट फीवर, रूलेट, जैकपॉट, वीडियो पोकर और 3 पत्ती जैसे एक्साइटिंग गेम्स, बिग विंस एंड ह्यूज कैश प्राइजेस आर वेटिंग फॉर यू। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। www.parimatch.com। डेयर टू बी डिफरेंट। काली और भूतिया खंजर। मैं पोर्ट डे सोलरेड मलोरका के पश्चिमी तट में हूँ। ये एक शांत और पॉपुलर टूरिस्ट जगह है, लेकिन यह एक बड़ी लड़ाई के लिए जाना जाता है जो साल 1508 में यहाँ हुआ था। हर साल त्योहार के दौरान स्थानीय लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं एस्फीरो, जिससे कि स्थानीय और पर्यटक उन लड़ाइयों के पुनः निर्माण के दौरान अतीत की घटनाओं को जी सके। लेकिन एक घटना जो भुला दी गई है और एक रहस्य बनी हुई है, ये टर्की इस्तोफली समुद्री डाकू और एक भूतिया खंजर के बारे में एक कहानी है। इस्तोफ ओटोमन शासक अलूथा अली का पुत्र था। वह तुर्की के बड़े कमांडर थे। सहाफ के बारे में कम ही जानते हैं, लेकिन पता है कि उसके सारे दुश्मन उससे डरते थे। जब उसे एक दुर्लभ चांदी का डैगर मिला था एक कैंपेन के दौरान, खंजर इस्तोफ की पहचान बन गई और अंत में उन्हें फैंटम डैगर के नाम से जाना जाने लगा। वे कहते हैं कि इस्तोफ ने अपने दुश्मनों को ही नहीं मारा, वो उनके शरीर से आत्मा चूस लेता था। ऐसी अफवाहें भी थी कि उस खंजर ने उसे ठीक होने की क्षमता दी, इसलिए उसे वैम्पायर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पिकार्डे टावर के बगल में, जहाँ से पोर्ट डे सिल्वर का पूरा शहर दिखाई देता है, वे कहते हैं कि इस्तोफ ने 1508 के पहले वर्ष के हमले के दौरान ग्रामीणों द्वारा पीछा किए जाने पर खुद को इस खंजर से मार डाला था। उसने अपने हाथों से मौत को चुना और न कि दुश्मनों के हाथों से। खंजर की ताकत के डर से स्थानीय लोगों ने द्वीप में कहीं अज्ञात जगह पर खंजर के साथ इस्तोफ को दफनाने का फैसला किया और कभी नहीं मिला। वे अभी भी कहते हैं कि इस्तोफ की आत्मा खंजर के अंदर रहती है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फैंटम डैगर प्लेस मजोरका, स्टेटस नॉट फाउंड, अनुमानित लागत 5,000 यूरो। अगर दिलचस्पी हो तो पाल्मा में मिलते हैं, मजोरा का द्वीप। अपना जादू दिखाओ, खटखटाओ। आ गई आप?
घर में स्वागत है। धन्यवाद। ये मुझे दो। ये सब क्या है? तो अब से आपको वह रवैया मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं, क्योंकि हाल में मैं बहुत बदतमीज था। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये सब क्या है? हमने आखिरी बार कब वक्त बिताया था? खैर, मेरा मतलब है अकेले में हम दोनों ने। हाँ, काफी समय हो गया है। बहुत अरसे पहले। और मुझे पता है कि आपको लाइट्स कितनी पसंद है। रेड वाइन, जैस। तुमने खाना बनाया? अरे हाँ, समोसा। माफ कर दो। मैं माफी मांगता हूँ, और यह सिर्फ शुरुआत है। मैंने उस दिन जो किया उसके लिए माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। नहीं, यह अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है हमें क्या चाहिए? नहीं। नई शुरुआत। हमें सूरज, गर्मी, बीचेस और पॉम ट्री चाहिए। हमें नई संवेदनाओं और आवेगों का अनुभव करने के लिए घूमने जाना चाहिए। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने वाली है। मैंने आपके ऑफिस में बात कर ली है। मेरे ऑफिस में? हाँ। किससे बात की? तुम्हारे बॉस। मेरे पांच बॉस हैं, स्टैन के साथ, जेंस पीटर, फ्लोर के साथ। यदि आपने इंगेरान के साथ बात की है तो वो इस विषय में बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता मैंने किसके साथ बात की, लेकिन प्रमुख के साथ की। ठीक है। और मैंने कहा जेन इतनी मेहनत कर रही है, वह कोशिश कर रही है, वह सब कुछ करती है जिसकी जरूरत होती है, और वह एक छुट्टी की हकदार है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ, जेनी छुट्टी और एक सामान्य छुट्टी की हकदार है। फ्लोर। हाँ, यह पोल था। हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा वह सहमत हैं। क्या बोलती हो? मैंने मलोर्का की दो टिकट बुक कर दी हैं। सब पेमेंट, सब बुकिंग हो चुकी है। तुम्हें गुरुवार को निकलना है। गुरुवार को? इस गुरुवार। बढ़िया रहेगा ना? हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, लेकिन क्या आप मुझसे वादा कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक छुट्टी ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बकवास कब्रों को नहीं देखने वाली हूँ। कुछ खाली डिब्बे होंगे शायद, बिना कब्रों के। कोई कब्र नहीं। कोई कब्र नहीं। कोई कब्र नहीं। क्या बोलती हो? ठीक है। ठीक है। हाँ, हम मलोर्का जा रहे हैं। स्पेनिश में कुछ सेक्सी सा बोलो। केंटा सर्विस कॉट्स। यो पेडो मिल का टेरा। मेरा पर्स गुम हो गया है। एस कबेरो हेरो पगारा। एक आदमी हर चीज के पैसे देता है। मुझे लगता है कि मैं उन्हें एक महिला दिखाऊंगा जो हर चीज के लिए भुगतान करेगी। पुलिस को बुलाओ। मैं आ गया, हम कब मिल सकते हैं? कौन है? कोई नहीं, चलो चलते हैं। कितना सुंदर है ये। हाँ, बुरा नहीं है। वाह, मुझे याद नहीं हम ऐसे आखिरी बार कब बाहर आए थे। क्या?
ओए क्या तुम फोन में घुसने आए हो यहाँ? कुछ नहीं, क्या हाल है? जब से आए हैं तुम तब से फोन में ही लगे हो। तुम भी तो हो। लेकिन ये अलग है। अच्छा तो तुम करो तो ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ऑफिस से मैसेज आ रहे हैं। हाँ तो मैं काम के लिए रोल्टेड ही इस्तेमाल करता हूँ। यह काम के लिए हो सकता है। ठीक है, आखिरी मैसेज में अलावा ने पूछा था तुमसे कि दम आलू कैसे बनाते हैं। खैर सबको दम आलू बनाना नहीं आता। पहले आपको पानी को उबाल आने तक गर्म करना पड़ता है, फिर आप उसमें आलू डाल देते हैं और गैस को धीमा आंच पे कर देते हैं जिससे आलू आराम से उबले। जमीन तुम केवल सॉसेज बना सकते हो। क्या अलवा ने बताया है ये? नहीं। आपने उसे सॉसेज बनाने का तरीका बताया? नहीं, मैंने कहा ठीक है बस अब आपने विषय बदल दिया है। जरूरी बात ये है कि मैं फोन को कभी भी स्विच ऑफ कर सकता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखो नहीं किधर? क्योंकि तुम गुलाम हो। मैं गुलाम नहीं हूँ। अच्छा तो फिर कहा जाता है? मैं अपने काम को लेकर पैशनेट हूँ। पेंशन? हम हाँ। हाँ। तेल तेल है जैसा कि कहते हैं। मक्खन को तेल कोई नहीं कहता। तुम फिर से यूज कर रहे हो फोन? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। क्या? देखो मैंने फोन लिया और इसे अपनी जेब में डाल लिया, सब कुछ अब मौजूद नहीं है। अब आप भी ऐसा करें। तुम कुछ तो कर रहे हो। और क्या? मुझे नहीं पता पर कुछ तो है। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसका फोन आया है? रुको मुझे ये लेना होगा। हाँ क्यों नहीं। हाय ओलिविया। नहीं मैं व्यस्त नहीं हूँ। नहीं नहीं ऐसा गलत लगता है कि हम छुट्टी पर नहीं हैं। तो हाँ कल सुबह 7 बजे मिलते हैं कैरियर दे वेलरो में, अकेले आना। हाँ 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 ठीक है। हाँ ये मैं कर सकती हूँ। हाँ नहीं नहीं अच्छा तो बुलाओ। हाँ जेनी। क्या कर रहे हो बेनी? मिस्टर फाल्कन 89। हेलो क्या मैंने तुमको डरा दिया? नहीं 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 मैं सिर्फ नहीं। आपका एक नाम अजीब है लड़कियों वाला। अच्छा हाँ नहीं नहीं मैं बेन हूँ। बेन? हाँ तो तुम आ गए। हाँ? पाल्मा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ यहाँ यहाँ अच्छा लग रहा है। आप नर्वस हैं? तुम घबराए हुए क्यों हो? नहीं 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 मैं नहीं हूँ, मैं नर्वस नहीं हूँ। हाँ? मैं यहाँ भाग कर आया हूँ ताकि तुम्हें मिलने में देरी ना हो। खैर इसलिए तो तुम भाग के आए। तो तुम घबरा नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा और तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा?
बैन, हाँ तुम तो डर गए यार। फनी था। रिलैक्स, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, ठीक है? हाँ यह है, अच्छा है कि आप ध्यान रखेंगे। बढ़िया, क्या बढ़िया नक्शा लाए हो। मेरा मतलब है नक्शे का हिस्सा। सीधा काम की बात। हा? बहुत बढ़िया बैन, बिजनेसमैन। हाँ मेरे पास नक्शा है। मैं एक सवाल, मैं बस उत्सुक हूँ। इसके लिए आपने एक लंबा सफर तय किया है, क्यों? मैं एक कलेक्टर हूँ। कलेक्टर? बहुत पैसा लगता है, नहीं? हाँ मैं लगभग पागल हूँ। पागल? हाँ लोग को फनी है ये। तो आप गोस्ट टाइगर की तलाश में नहीं है? नहीं टाइगर और यो क्या? यह क्या है बैन? मेरे भाई तुम इतने दूर आए, इतने पैसे खर्च किए। हाँ ये मत सोचना कि मैं ये विश्वास करूंगा कि तुम इसे अपनी दीवार पर लटकाओगे। घोस्ट डैगर, क्या आपने घोस्ट डैगर कहा था? हाँ हाँ मैंने उसके बारे में पढ़ा है। हाँ लेकिन यह सिर्फ एक मिथ है, है ना? यह वास्तविक नहीं है। मिथ? बढ़िया, इधर आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आप जानते हैं बहुत सारे पुरुष और महिलाएं इस खंजर की तलाश में गायब हो गए। बिल्कुल गायब, उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। तो आप मुझे बताएं कि ये मिथ है कि नहीं। लेकिन तुम सिर्फ एक कलेक्टर हो, है ना? कोई दिक्कत ही नहीं फिर? कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें पैसे हैं? हाँ हाँ। खैर हमारा सौदा पूरा हो गया है। बैन भाई, यदि आप कुछ सीखते हैं इस बारे में कि खंजर कहाँ से मिला, तो आप क्या मुझे बताएंगे? Tell me. हाँ हाँ मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल। बढ़िया, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। हाँ जेनी, मैं बस मैं नहीं 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 जेनी जेनी नहीं जेनी नहीं शुरुआत जेनी, हम एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ हम एक छुट्टी के लायक हैं। जेनी मुझे समझाने दो। हाँ तुम ये एक्सप्लेनेशन दो कि जेनी मैं रंडिया ड्रग्स लाया था सरप्राइज में, वो एक खजाना खोजने नहीं आया था मैं। बस बहुत हो गया जेनी। सुनो बेंजामिन, आपने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि ये छुट्टी हमारी है। हाँ लेकिन तुम्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है महत्वपूर्ण है लेकिन। लेकिन क्या? अब सब कुछ अलग है। अब सब कुछ अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं बहुत करीब हूँ, खजाना लगभग मेरा है। बेंजामिन और कुछ नहीं बोलते हो, हर बार यही बोलते हो कि बस मैं करीब हूँ खजाने के। हाँ जेनी मेरे साथ आओ। क्या? मेरे साथ आओ। नहीं नहीं जेनी सुनो, हाँ मैं गलत हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत मांगता हूँ, लेकिन कृपया, लेकिन इस बार मैं खजाना खोजने के बहुत अधिक करीब हूँ, बहुत अधिक। बस मुझे एक और मौका दो, एक और। अगर मैं उसे नहीं खोज पाया, मैं खजाने की खोज के बारे में भूल जाऊंगा, मैं यह सब खत्म कर दूंगा। इसलिए मैं आपसे एक और मौका मांगता हूँ, चाहता हूं कि आप वहां रहें। आपका स्वागत है। ठीक है,
ठीक है, आ जाओ। मुझे लगता है ये वास्तव में समझने का एकमात्र अवसर है कि मैं आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हूँ। क्या आपको यकीन है? नहीं, चलो इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। ठीक है। ओह, हाँ ठीक है, मेरे पास पहले से ही 3 भाग थे, केवल यह आखिरी वाला गायब था। नहीं समझ आया होगा। नहीं, चलो कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। हाँ जियो, क्या हाल है? एकरन, क्या तुमने सही में सोचा था कि तुम मुझसे चिप सकते हो? मेरे पास आपका पैसा है। मुझे अब आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे मिस्टर फाल्कन 89 से अपनी बातचीत के बारे में मुझे और बताएं। क्या बताऊं? आपने उसे नक्शे का हिस्सा बेच दिया। शायद मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि मिस्टर फाल्कन के पास अब फैंटम डैगर को खोजने के लिए सभी नक्शे के हिस्से हैं। लेकिन मुझे यह खंजर चाहिए और तुम इसे मेरे लिए लाओगे। और अगर नहीं ढूंढा? ऐसा सोचना भी मत। आपके भाई ने ऐसा काम किया था और हमें याद है कि उसके साथ क्या हुआ था। हाँ, आपके पास 12 घंटे हैं। टिक टॉक। तो क्या ये यूसुफ अली बहुत अजीब आदमी था? हाँ, यूसुफ भयानक था, लेकिन उसके बाद ही उसे खंजर मिला। तो जादुई शक्तियों वाला एक खंजर। हाँ, जाहिर तौर पर बकवास है ये, लेकिन उसके कारण द्वीप के निवासी उसके खंजर की वजह से यूसुफ से बहुत डरते थे, और जब उसने खुद का जीवन लेने का फैसला किया तो उसे उस खंजर के साथ अज्ञात जगह पर दफनाया गया, और बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते थे। यहाँ आपके सामने उसके दफनाने की जगह का नक्शा है। लेकिन कुछ गायब है, और इसलिए यहाँ ये देखो। दुनिया में कोई भी इस खंजर को खोजने के लिए इतना करीब नहीं था। अब आप और मैं करीब हैं। आप तैयार हैं? हाँ। क्या नक्शा जोड़ूं? हाँ। बढ़िया, यहाँ नक्शा हमें रास्ता दिखाएगा। क्या तुमने यहाँ पर एक बड़ा सा क्रॉस देखने की उम्मीद की थी? मुझे उम्मीद थी कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और यह सिर्फ एक नक्शा है। हाँ, इसको छोड़कर सिंको एंटोरे, ये 5 फूल। हाँ, 5 फूल। क्या कह रहे हैं? उस समय समुद्री डाकू ने मेलोर्का पर हमला किया था। समुद्री डाकू के जहाजों से चेतावनी देने के लिए द्वीप पर एक अवलोकन टावर बनाया गया था। अच्छा, और एक अजीब बात, जिस आदमी को पहले हमले की चेतावनी देनी चाहिए थी वह सो गया था, उसका एक पैर था। नहीं, और वह किसी को भी हमले के बारे में चेतावनी नहीं दे पाया था। वह बहुत बड़ा फेलियर था। अब यहाँ 14वीं शताब्दी में एक टावर बनाया गया था दुश्मनों के दृष्टिकोण को देखने के लिए, विशेष रूप से समुद्री डाकू के जहाजों को, और पूरे 100 साल बाद लुलुकुलकारी गांव में 5 टावरों की भी स्थापना की गई थी। 5 टावर्स।
ऐसे हमलों से बचने के लिए। हाँ, इस सोफ को टावर में से एक में दफनाया गया था। पक्का लगता है? होना चाहिए। लेकिन इस टेक्स्ट को फिर से देखो, ये अजीब नहीं लगता? सिंको एंटोरे टोरे, यहाँ सिंको टोरेस होना चाहिए। इनकी स्पेनिश खराब थी क्या? लेकिन ये चीज काफी पुरानी है। हाँ, पर अंत में ये अक्षर अपर केस क्यों है केवल यहाँ पे? यह क्या है? तुम्हें पता है मेरे पिता एक बोट लवर थे, कम से कम कहने के लिए। हाँ, और जब मैं और डैनियल छोटे थे उन्होंने हमें कार्ड के साथ पहेली खेलना सिखाया। उन्होंने एन और ई में समाप्त होने वाले शब्द लिखे और हमने नक्शे पर जगह खोजने के लिए शब्दों को नंबर्स में अनुवाद किया। और मुझे लगता है कि एन और ई का मतलब उत्तर और पूर्व है और हमारे पास उस जगह की लोकेशन है। बिल्कुल। हाँ, वरना यहाँ ये लिखा क्यों जाता? और ये नक्शे के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। जेनी, बहुत कमाल की हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें पता है। हम जा रहे हैं। आ जाओ। अच्छा, मुझे भी कुछ करने दो। हम अपने साथ क्या ले चले? चीजें। चीजें? उदाहरण के लिए एक फावड़ा, ये जरूरी है। ठीक है, आप फावड़ा और बाकी चीजें ले लो और मैं स्टोर जाके आती हूँ। हम एक डेढ़ घंटे में मिलते हैं, ठीक है? डेढ़ घंटे बाद? तुम कहाँ जा रही हो? हमें खजाना ढूंढना है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। सही कहा। आधे घंटे में कार के पास मिलना, नक्शा मत भूलना। हाँ। कैसा लगा तुम्हें? टोपी। हाँ, खजाने की खोज तुम्हारे पास नहीं है क्या? पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगा। अच्छा, तो मान लो कि हमें खंजर ढूंढ लेते हैं। हाँ, फिर आगे क्या? इसे बेच देंगे। बेच देंगे? क्या उसे म्यूजियम में नहीं होना चाहिए? इसकी कुल कीमत 500,000 यूरो है, इसलिए। 500,000 यूरो? हाँ। इसे बेचना एक अच्छा आइडिया है। गेट से अंदर और थोड़ा आगे और फिर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हम गेट से नहीं जा सकते, यहाँ से जाना मना है, है ना? हाँ, हमें गेट फांदना होगा। बेनी, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी? आगे चलो चलो। इतना मुश्किल नहीं है, यह सीढ़ी की तरह है। ऊपर सावधान रहना जेनी, यहाँ बस धार तेज हो सकती है। जेनी? हाँ, या ऐसा तो यह भी संभव है। रुको,
बिल्कुल उसी के समान। आ जाओ। हाँ, कोने के आसपास। क्या यहाँ पुलिस आई थी? बेशक, बेशक। क्या? खैर, मैंने एक पुलिसकर्मी से कार्ड का हिस्सा खरीदा। समझ गई। मुझे लगता है कि भूतिया खंजर के रहस्य को शक्तिशाली लोगों के परिवारों में पीढ़ियों से पारित किया गया है। उदाहरण के लिए पुलिस परिवार, यह बस हमें डराने के लिए है। वे उन लोगों को डराते हैं जो इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ कुछ हुआ है और इसमें दखल ना देना बेहतर है। देखते हैं। हाँ, अरे देखो। क्या? वाह, अच्छा। तो चलो हो जाए। आ जाओ। क्या ये हमारे घर का है? क्या? डैड काफी टाइम से इसे ढूंढ रहे थे और तुमने मदद करी। नहीं, ये वाले नहीं हैं। हाँ, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लैंप हैं, सभी तुम्हारे डैड के नहीं हैं। तेल ही तेल है। इधर आओ। हाँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुमने छुट्टियों में क्या किया जेनी? खैर, तुम्हें पता है ना, हमेशा की तरह जंगलों में गए, गुफाओं में चढ़े। मैं एक 500 साल के समुद्री डाकू उसके खंजर की लाश ढूंढ रही थी। यह वास्तव में 454 का है। ओह, माफ करना, 400। ओ माय गॉड, वो क्या था? चमगादड़। चिकना? नहीं, चमगादड़ चिकने नहीं होते। ये चिकनावट से दूर है। चलो, हम जल्दी यहाँ से निकलते हैं। प्लीज चलो। करीब है। क्या? वाह, तुम्हें पता है उसका मतलब क्या है? मुझे डर लग रहा है। जेनी, सब कुछ ठीक है। वे सिर्फ हमें डराना चाहते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए। चलो। लगता है तुम सही थी। क्या? खुदाई नहीं करनी होगी।
यहाँ देखो। क्या? मैंने पहले भी इस सिंबल को देखा है यहाँ। सर ये तो वही है। हाँ, प्राचीन अरबिक। क्या तुमको पता है इसका मतलब क्या है? एक वैम्पायर। अच्छा, ये चमगादड़ के साथ जुड़ा है। ठीक है, चलो इसे खेलते हैं। आ जाओ। ठीक है अब। सावधान रहना। ठीक है। okay. अच्छा ठीक हो? मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। तो खंजर, वह कहाँ है? वह यहाँ पर नहीं है। वह यहीं पर होना चाहिए। वह यहाँ नहीं है। वह यहाँ क्यों नहीं है? वह कहाँ है? वह यहीं पर होना चाहिए। नक्शे के हिसाब से उसे इसी कब्र में होना चाहिए। वह यहाँ क्यों नहीं है? Watching a movie. What if you could make one? Go to PerryMatch.com and win huge cash prizes in the live casino. 2 million players from around the world are playing exciting games like Cricket Fever, Roulette, Jackpot, Video Poker, and Team Patty. Big wins are waiting for you. Sign up now to get a free bonus. www.PerryMatch.com. Dare to be different. बेनी? हाँ। देखो, तुम्हें यहाँ एक नजर डालनी चाहिए। वहाँ क्या है? हाँ, यह वही है। पहली बार मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पास शब्द नहीं है। जेनी, ये वही है। हाँ। हाँ। ये लो, ये वही है। जेनी, यह है, यह एक खंजर है। जेनी, हमें मिल गया, यह एक खंजर है। ये वही है। हे भगवान, मुझे बैठने की जरूरत है। देखा तुमने, मैं कांप रहा हूँ। हमने इसे ढूंढ लिया, मिल गया। से ढूंढा? हाँ 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 एक बात बड़ी अजीब है। क्या? तुमने कहा था कि उसे ताबूत में होना चाहिए। हाँ? लेकिन किसी कारण से वो जमीन पे पड़ा था। हाँ, लेकिन एरिका ने कहा कि लोग इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब किसी को ये खंजर मिला और उसने उसे वहाँ छोड़ दिया। उसने मुझे यह भी बताया कि ये लोग गायब हो गए। गायब? और तुमने मुझे ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी?
ओह चलो भी, लोग गायब हो जाते हैं, बस स्पेनवासी का ऐसा कहना है। यह केवल एक मजाक है जिसे बहुत खींच दिया गया है। मुझे ये बहुत डरावना लग रहा है। मुझे यकीन है कि मैंने गुफा में किसी को फुसफुसाते हुए सुना था। बिल्कुल चुप रहना। कौन है वहाँ? एरकन। वो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा था। वह खंजर को ढूंढने आया है। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है? शायद वो बस टहलने आया हो। टहलने? सीरियसली? अच्छा माफ करना, लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या वहाँ चलो। सब कुछ ठीक लग रहा है भाई। मेरे दोस्त, अरे तुमको यहाँ देखकर अजीब लग रहा है। हाँ हाँ, अजीब लग रहा है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टहलने आए थे। हाँ, हाँ हम तुम्हारे देश के दर्शनीय स्थानों को देखने आए थे। दर्शनीय स्थानों को? सच में? हाँ, हमने तस्वीरें ली हैं। इंस्टाग्राम? हाँ। आपका देश बहुत बहुत सुंदर है, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हाँ। माफ कीजिएगा भगवान, मेरे तौर तरीके कहाँ चले गए। मैं एरकन हूँ, आपका नाम क्या है? इंग्रेन। हाँ, यह इंग्रेन है। इंग्रेन? हाँ। तुम लोग के बहुत मजेदार नाम है। हाँ, हाँ। हम नॉर्वे से हैं, हम नॉर्वेजियन हैं। हमारे बहुत से मजेदार नाम है। हाँ, सही कहा। हाँ, अपने उस बॉस का नाम बताओ, क्या था? लाइफ। लाइफ तुम्हें पता है और क्या मजेदार है? एक चुटकुला सुनाता हूँ। ठीक है, चलो सुनाओ। मजेदार बात ये है, तुमने मुझे ये बताने का वादा किया था कि खंजर कहाँ मिलेगा। मैंने किया था। हाँ, तुमने। खैर, मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। खैर, मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। लेकिन मुझे माफ करना, हम जल्दी में हैं। हाँ, हाँ, हमें अब जाना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। भाई बेंजामिन, हम जल्दी में नहीं हैं। कोई जल्दी नहीं, शांति से, शांति। एरकन सुनो। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उन ताकतों के साथ खेल रहे हो जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। खंजर मेरा है, इसे मुझे दो। एरकन, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुमको बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हो रहा है अब। जेनी, भागो भागो। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? हरगिज नहीं। चलो चलो बताओ। चलो चलो। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं, और तुम? हाँ सब ठीक है, लगता तो ऐसा ही है।
ओह शिट। लेकिन उसके पास एक बंदूक थी बेंजामिन, वो हमें मार सकता था। हाँ वह ऐसा कर सकता था। क्या तुम्हारे पास खंजर है? हाँ। देना मुझे। माफ करना, मैं इसे पकड़ूंगी, इसे मेरे पास ही रहने दो। मुझे अच्छा लगा, और तुम्हें? चलो घर चलें। पता है मैं क्या सोच रहा था? हम अब अमीर हो गए हैं। जेनी क्या तुम समझ रही हो? ओह मैं भूल गया, पैसों का क्या करेंगे? जश्न मनाएंगे और क्या, हम इसका जश्न मनाएंगे। फायरिंग इज द लुक्स। सवाल यह है कि क्या यह होगा? प्लीज लाइट बहुत ज्यादा तेज है। किस तरह है ना, ऐसा लगता है कि मैं मैच कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है जेनी? जेनी अरे क्या तुम नहाने जाओगी? क्या तुम ठीक हो? हाँ। क्या तुम्हें इससे प्यार हो गया है? शायद तुम इसे डिनर पर नहीं ले जा सकती, तुम इसे यहाँ छोड़ सकती हो। अच्छा जाओ शावर लो जाके और इसे मुझे दो। इसे छूना मत। माफ करना, माफ करना। नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम मुझे डरा रही हो। सब ठीक है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मुझे यहाँ लाने के लिए तुमने झूठ कहा मुझसे? ऐसे क्यों किया? मुझे लगता है हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मैं बस ये सोच रही हूँ कि तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? ये पहली बार नहीं है तुम लगातार मुझसे झूठ बोलते हो, और तुमको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। जेनी यह ऐसा नहीं है। तुम ऐसे क्यों हो? क्या तुम्हें समझ आता है? ऐसा लगता है कि तुमको मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है। वे काम पर भी बात करते हैं, इतना शर्मनाक। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम यह सब क्यों शुरू कर रही हो। हमेशा तुमको तुम्हारे मूर्ख बचकाने कामों से बचाना बहुत घटिया है, तुम्हें पता है, जिससे कुछ भी हासिल नहीं होता। कुछ नहीं जेनी, तुम अपने हाथों में क्या पकड़े हो? नहीं अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भगवान, भगवान न करे कि इस दुनिया में कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे काम से ज्यादा जरूरी था। जेनी ठीक है ठीक है। अपने आप को संभालो और एक लूजर की तरह पेश आना बंद करो। फिर मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया ताकि हम ओस्लो में रह सकें। याद दिलाऊं तुम्हें कि हम वहाँ क्यों गए? हम वहाँ गए क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेहतर था। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया। खैर बिल्कुल साथ दूंगा जेनी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुमने मुझे अपने फोन के लिए बेच दिया। मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट है। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम जानना चाहती हो कि मुझे इसकी परवाह क्यों नहीं है। और हाँ 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 मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम्हारे कलीग मुझ पर हंस रहे हैं। सब लोग हंस रहे हैं बेंजामिन। तुमको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुमको हमारे बारे में सोचना चाहिए। यह बहुत मुश्किल है, है ना? क्या तुमको मेरी जरूरत नहीं है? क्योंकि ऐसा है तो मुझे बताओ। अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो तो ऐसा बोलो, या यह कहो कि तुम्हें नहीं पता। दरअसल मुझे समझ नहीं आता कि तुम और मैं एक साथ क्यों हैं। जवाब दो मुझे प्लीज, तुम मेरे साथ क्यों हो जेनी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो जेनी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुमको बेहतर इंसान बनना। बेहतर? हाँ तब तुम उस इंसान के साथ क्यों हो?
अंत में ये मायने नहीं रखता। क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है? हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ बस एक मिनट रुको, समय खत्म हो गया है। जियो तुमसे मिलना चाहता है। दिखता नहीं क्या? मैं फोन पे हूँ। पूरी जिंदगी जियो के कुत्ते बने रहना। चुप कर चूतिये। सावेज, वो क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं, यह सिर्फ एक बकरी है। चावेज, क्या हुआ? चावेज, चावेज। माफ करना, मुझे पीछे हटना पड़ा। मुझे जवाब दो, क्या तुम्हें नाम चाहिए? हाँ, मुझे नाम चाहिए होगा। नाम बताओ। बेंजामिन फालक। बता। ठीक है, मैं अभी तुमको उसका पता भेजता हूँ। धन्यवाद। जेनी, क्या हुआ? जेनी, जेनी, हे भगवान, जेनी, 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 मुझे देखो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जेनी, जेनी, मेरी बात सुनो। जेनी, बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। अंदर छुपाओ, नीचे रखो उसे।
जेनी यह तुम नहीं हो। जेनी सुनो, इसे हटाओ, खंजर नीचे रखो। माफ कीजिए, क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं। क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं। ना। नहीं? धन्यवाद। जेनी जेनी तो फली और भूतिया खंजर, लेकिन हालांकि ये त्रासदी का एक रहस्य है। ये आत्मा की शक्ति को चूसता है। यहाँ पिकादा टावर के बगल से, जहाँ से पॉट डे सोलर दिखाई देता है, पिकादा वे कहते हैं कि उसने खुद को एक खंजर से मार डाला। मौत अपने ही हाथ से कभी नहीं मिला। अभी भी अफवाहें हैं कि इस्तुफ की आत्मा एक खंजर में रहती है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि टकामोस में सभी अरेबिक अलौकिक शक्तियाँ हैं। कामोस अलौकिक शक्तियां, नो रिजल्ट। एरकन प्लीज, चुप रहो, मुझे जल्दी से खंजर दे दो। मेरे पास नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं कसम खाता हूँ। अब मैं तुमको 3 सेकंड नहीं दूंगा। जेनी के पास है। कौन? जेनी मेरी गर्लफ्रेंड इंग्रेन। खंजर ने उसे कुछ कर दिया है। उसकी आंखें काली हो गई हैं, जैसे भूत चढ़ गया हो। उसने कुछ कहा? वह अरबिक बोल रही थी। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? शायद। बताओ मुझे। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। मैं जेनी को ले जाऊंगा और तुम खंजर रख लेना, और हम फिर अपने अपने रास्ते। यह ऐसा होगा। व्यापारी, ठीक है, अब तुम्हारा प्लान क्या है? यह प्राचीन अरबी मिथक है जिसे टकामोस कहा जाता है। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? नहीं। मुझे लगता है कि यही हो रहा है, लेकिन मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही। एक मिनट। क्या? हे भगवान, ओ भाई।
अरे चोट क्यों लग रही है? बहुत चीटिंग कर ली, मुझे पहले उठ जाने दो। आराम से। ओए बंद करो इसे, तुम बहुत कमीने हो। तुम बस गिव अप करना चाहते हो। नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मैं नहीं खेलना चाहता। यह हमेशा एक जैसा होता है, हमेशा चीटिंग। आ जाओ। वाह मुझे। वाह यह सही है। क्या ये सच में बेंजामिन है? हाय जोनस, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। माफी मांग रहे हो? वैसे तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद की जरूरत है? खैर ये बेहतर और बेहतर हो रहा है। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, और फिर भी तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए सुनो। डैडी की लाइब्रेरी में जाओ और अरब लेजेंड के बारे में किताब ढूंढो। तो ऐसा लगता है कि तुम अब मेरी लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हो। तुमको एक किताब और बॉक्स मिलेगा, और तुम्हें जल्द ही किताब को वापस करना होगा। एडम तुम मुझसे जितनी चाहे नफरत कर सकते हो, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। जेनी को इसकी जरूरत है, वह मुश्किल में है। मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। यहाँ आओ, आओ जल्दी से आओ। नहीं उससे जेनी के बारे में पूछो। क्या जेनी ठीक है? तुम्हें किताब की इतनी जरूरत क्यों है? हाँ क्या हुआ बेंजामिन? एक किताब लो और टाकामोस के बारे में जानकारी दो। कमोस क्या तुम यह कर सकते हो? हाँ हाँ लेकिन तुम मेरे कर्जदार होंगे। सीरियसली? बढ़िया, जैसे ही तुमको कुछ पता चले मुझे फोन करना, वह हमें वापस फोन करेंगे। ठीक है चलो। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुमको यह खंजर क्यों चाहिए? तुम नहीं समझोगे। यह पैसे की खातिर है या कुछ और? चलो बस यही समझ लो कि कुछ बुरे लोग मुझे मारना चाहते हैं, और मैं भी तभी बचूंगा जब मुझे खंजर मिलेगा। लेकिन वह खतरनाक है। लेकिन तुमने कहा था कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। छोड़ो तुम नहीं समझोगे। तुमको यह समझ नहीं आ रहा, मैंने देखा। नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि सब कुछ खो देना कैसा होता है। डर में जीना, या तो मैं या वो मेरे भाई। क्या तुम्हें समझ आया? जोनस कुछ भी, इस पर ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन तुम्हें कुछ तो मिला होगा। हाँ ऐसा लगता है कि हमें कुछ तो मिला है। Okay, you're a speaker now, so you have to speak English. अंग्रेजी में? ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि टाकामोस एक प्राचीन अरब सुपर नेचुरल लेजेंड, कुछ कलाकृतियों में उसके मरने के बाद उसके मालिक को पकड़ने की शक्ति है। ये आत्माएं एक दुष्चक्र में गिर जाती हैं। ये आत्माएं उस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेती हैं जो इन कलाकृतियों को लेता है, और उन्हें अपनी मौत के रूबरू करवाती हैं। इस सर्कल को तोड़ने का एकमात्र यह तरीका है कि नया मालिक या तो इन कलाकृतियों की ताकतों को दूर करने में सक्षम होगा, या अगर वह मारा जाए। बेंजामिन जेनी, नहीं प्लीज नहीं। वो वैसे भी मर जाएगी भाई। नहीं वह नहीं मारेगी। उसे खंजर की शक्ति हासिल नहीं होगी, मुझे मिलेगी, मुझे
और कोई नॉर्वेजियन चूतिया या उसकी रंडी मेरे रास्ते में नहीं आएगी। मेरा है। जेनी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जेनी, नहीं नहीं, प्लीज। प्लीज उठो जेनी। चला उठो जेनी। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है।
जेनी, हे जेनी, सब कुछ अच्छा है, अच्छा है। यह मैं हूँ। हम अस्पताल में हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? नहीं नहीं। हाँ। नहीं जेनी, मुझे माफ कर दे। ये मुझे कहना पड़ेगा। भगवान, तुम्हें चोटें आई हैं? नहीं, सब ठीक है। एरिकन का क्या हुआ? हाँ? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। खंजर का क्या हुआ? मैंने उससे छुटकारा पा लिया। यह खजाना नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें एक नया खजाना मिलेगा। हाँ। खैर, नमक नमकीन है। हाँ। क्या अब हम जाकर एक असली छुट्टी मनाएंगे? मैं सच में चाहता हूँ, हम असली पर्यटक होंगे। जी स्वेरा, मलोर्का में एक वास्तविक अनुभव। चलो संग्रिया पीते हैं। भैया, क्या हम आइलैंड तक ड्राइव कर पाएंगे? नहीं, बस आइलैंड नहीं। खैर, एक सवारी। नहीं। क्यों मुस्कुरा रहे हो? पोलो का मैसेज आया है, वह पूछता है कि मैं बुधवार को उसकी जगह काम कर सकता हूँ। टहलने जाएंगे। क्या? यह ओलव है, मैं समझाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। लेकिन ओलव को एक शिफ्ट के लिए दूसरे रिप्लेसमेंट की तलाश करनी होगी। मतलब? तुम एक ट्रेजर हंटर हो, एक सच्चे ट्रेजर हंटर को एक अच्छी ट्रेजर टोपी की जरूरत होती है। Seriously? पहन कर देखो। बढ़िया है। हाँ, मुख्य बात यह है कि अब तुम मेक्सिकन गैंगस्टर की तरह नहीं दिखते। ठीक है, मैं, मुझे माफ कर दो, मुझे जरूरत है। फ्रेडो, मेरा फोन खो गया है। यह लड़की बहुत पागल है। जी 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 सर। एस्टेल कोरियोस एब्रिटो मनन। क्या कल मेल खुलेगा? बैडमिंटन खेलने चलते हैं। क्या हम बैडमिंटन खेलेंगे? मेरा एयर ग्लाइडर इल का प्ले है। मेरे वाहन में बहुत सारे ईल हैं।
ओके, ये बहुत अजीब था। नहीं नहीं सेनोरिटा, बस बहुत सेक्सी हो। ठीक है चलो चलो गुदगुदी करते हैं। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, क्या वो क्लोन है? ये क्लोन है। नहीं, इसे दूर रखो, इसे दूर रखो। नहीं नहीं नहीं, हम अरकान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैंने उसे कहा था ढूंढते रहो, लेकिन वह आखिरी बार इस आदमी के साथ देखा गया। मदद के लिए धन्यवाद बेंजामिन। बेंजामिन ने भेजा है क्या? यह बेंजामिन ने भेजा है? नहीं, क्या यह बेंजामिन ने भेजा है? हाँ ये है, लेकिन यह है नहीं, और वह भी, वह दोनों, और वह, क्या यह बेंजामिन ने भेजा? हाँ नहीं, लेकिन वह। अच्छा, उसने यह कैसे किया? वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसने यह खरीदा है? उसने हमारे लिए खरीदा है। नहीं, और एक बात और, देखो जरा जरा देख तो, देखो यह कितना बढ़िया है। हाँ वाह। हाँ मैलोर्का से, क्या यह सब मैलोर्का से है?